और पूरा घर मेरा धूल धूल हो गया है। कल भैया ने सामान भी नहीं हटवाया, इसे धूल धूल कर दिए हैं, है ना धनु? और आज कहाँ जाना था धनु के साथ? नहीं, यस पीटीएम में जाना है, धनु के पीटीएम में जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मेरा वाला जो रूम है ना उसमें काम होगा आज, तो इसकी वजह से वहाँ का जो है सामान हट गया, मतलब बेड जो है ना। हाँ बेटा, बेड का हाँ ब्लैंकेट वगैरह हटा के पैक करवा देती हूँ, किस पे सो लेंगे। हाँ छुट्टी, और उसके बाद एक ही दिन की छुट्टी है ना, उसके बाद वापस आ जाएंगे। संडे का छुट्टी है और अगले सुबह का हमको स्कूल भी नहीं जाना है। हमको स्कूल भी नहीं जाना है। छह बजे की टिकट है। हाँ छह बजे की टिकट है, तो संडे को छह बजे चले। क्या बोल रहे सब कुछ बता दो आपको है? इनको हर एक चीज का डिटेल चाहिए, कब अगर बता दो कि कहाँ जाना है तो उनको उसी का डिटेल चाहिए, कब जाना है, कितने बजे जाना है, कितने तारीख को जाना है, कौन कौन जा रहा है धनु। और ये हमारे रूम की ड्रॉइंग, हमारे फ्लोर की ड्रॉइंग। हाँ क्या होगा धनु, मुझ में कुछ हो रहा है? आपका इसमें सॉक्स दिख रहा है, ये धोने वाले कपड़े हैं। वो तो अपनी अच्छी बात बता रही हूँ। सोच रही, पूछो ही नहीं, नहीं सोचूंगी। चलो इधर आओ, आप मामा की हेल्प कराओगे? नहीं कराओगे? मामा अकेले ही काफी है, मत कराओ। आपको सॉरी? अच्छा I'm so sorry बेटू जी, I'm so sorry। कुछ भी हुआ तो था ना, मान तो जाते लेकिन कहते पहले मुझे सॉरी बोलो तब। अरे सॉरी जरूर बोलवाते हैं, पता है मानना तो कैसे भी है, ऐसे नहीं मानूंगा तो मम्मा वैसे बना लेंगे। सारी चीजें बताऊँ क्या? हमें गाँव जाना है, हमें शाम को जाना है, हम सबके साथ जाएंगे। अब तुम दोनों कर दो। अरे इसके नीचे क्या क्या हो गया? गंदा है उसके नीचे सामान। अभी कह रही फोन को भी नहीं छोड़ा, गंदा करके रख दे। बिना पैकिंग किए कर दी और यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो निशान दिख रहा है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकती हूँ, नाम KAMINI कमीनी। कुछ लोग कहते हैं कि पहले आपको नोटिफिकेशन आता है तो पहले पढ़ते कमीनी, फिर दीदी ध्यान आता रही तो आपको कामनी नाम लिखा होगा क्या? तो बचपन से ऐसा नाम लिखा। और नाम में ना डबल ए नहीं लगाती हैं, जैसे राम लिखना तो RAM ही लिख सकते हैं, RAAM नहीं लिख सकते, उसी तरीके से कामिनी में KAA नहीं लिख सकते, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कोई बात नहीं, बता होता है होना चाहिए। चलो तो मैं अब जा रही हूँ, धनु को थोड़ा सा नहला वहला दूँ, उसके बाद उनको लेके चलती हूँ स्कूल, फिर आती हूँ तो मैं आप लोग सब जरूरी चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं आपको लेफ्ट करना चाहती हूँ, आपको मारना चाहती हूँ, क्यों मारूंगी? आओ इधर आओ, आओ
मैडम कोई मारती हैं आपको? फिंगर पकड़ो, मामा को फिंगर पकड़ो, जल्दी चल। अब आप लेट करा रहे हो, मैं जल्दी चल रही हूँ। अब देखते हो दोनों में से जल्दी कौन चलता है। गाइस, धनु को अपने टाइम पे पहुँचना बहुत अच्छा लगता है, इनको अपने टाइम से लेट होना बहुत बुरा फील होता है। देखिए है ना, धनु देखो मम्मा आगे आ गई। अब आप सोच रहे हो लेट कैसे हो गया, तो एक्चुअली मैं अपना टाइम से सब कर रही थी, सुबह नाश्ता वगैरह बनाई, अपना जो काम चल रहा है ऊपर उसी की देख रेख में थी। फिर मैं सोची कि नहाने जा रही हूँ तैयार होने, तब तक शायद मैंने ब्लॉग में बोला हुआ भी है, मेरे घर दो लोग आए हुए हैं, फिर मतलब एंड टाइम पे फिर मैं उनको रेडी करने लग गई। जब मुझे रेडी होना था तो उन लोगों को मैं रेडी करने लग गई, तो थोड़ा सा रेडी करने में टाइम लग गया, तो मैंने उन दोनों जने को रेडी किया और उसी में थोड़ा लेट हो गया। मैंने बिल्कुल टाइम रखा हुआ था, इतने टाइम तक मैं पहुँच जाती जो मैंने टाइम रखा हुआ था, और अभी मुझे लग रहा है कि मैं शायद टाइम जो था उससे 10 मिनट लेट पहुँचूँगी। धनु आप बता दो मम्मा ने किस लिए, इधर नाम इधर जल्दी बेटे लेट हो रहे हैं। और आप लोग सोचोगे कि लेट हो रहे तो फिर ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो, तो मैं चल रही हूँ, बहुत फास्ट चल रही हूँ। और इसके साथ ही दूसरा क्या हो गया कि मैंने जैसे ऊबर जो मेरे एक और फ़ोन में है ऊबर, उसमें उसको मैंने जैसे ओपन किया कि मैं बुक करती हूँ, तो वो पता नहीं कैसे सारा सेटिंग ही वो हो गया था फिर से, मतलब जो लॉगिन करते हैं ना वो सेटिंग करना पड़ा, सब कुछ डालना पड़ा, फिर पिकअप जो एड्रेस होता है ना वही सही नहीं ले रहा था, मैंने तो फिर आएगा कहाँ से। फिर मैं सोची चलो पैदल चलते हैं भाग के और यहाँ से बाहर से जाकर ऑटो ले लेते, तो ये 10 मिनट ये हो गया। बट मैं सोच रही हूँ कि अगर जितनी देर में आता ओला वही टाइम मुझे यहाँ आने में लगेगा, तो फिर इतनी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से आ गई। अब जल्दी से बस ऑटो मिल जाए, ऑटो का वेट ना करना पड़े बस। ठीक है, मस्त लग रही है मेरी बेटी, मेरी स्माइल हो, इतनी क्यूट स्माइल है ना, मतलब इतनी क्यूट स्माइल है इस धनी की। आओ सुन, आओ, गुस्सा नहीं होता मम्मा से। बाबू ऑटो 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 आ गया, ऑटो जल्दी हो, जल्दी निकल जाएगा वहाँ से। देखो इतना इतना पीछे हो गया ना, पीछे हुए तो इतना अब तक वहाँ तक चले गए। देखो ऑटो गई ना, एक और दूसरा ऑटो देखते हैं। और धनु के स्कूल में चले, धनु रेड ड्रेस में कैसी लग रही है, स्मार्ट ही ना, कोई स्मार्ट ही है ही, और जब स्माइल करती है ना सबकी जान ले लेती स्माइल करके। ओह मैं मुझसे पास सही में यार आप मुझसे आगे हो, मैं चल के दौड़ के नहीं चल के, मैंने कंपटीशन किया कि देखते हो आप मुझसे फास्ट चलते हो कि मैं फास्ट चलती हूँ, मैं चल सकता हूँ। चलो नमस्ते, आइए जल्दी जा, ऑटो निकल के जल्दी हो, जल्दी 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 Thank you.
कुछ नहीं, धूप सिर्फ खाना ही खाना है, है? तो क्या खाता है? नहीं पता। आ जाओ आगे फर्स्ट फ्लोर। सुई लगाना चाहते हैं ना आपको? मम्मा चाहेंगे क्या आपको सुई लगे? और कान में ऐसे मारे और पीछे पड़े, ये सोचना चाहते हैं क्या? यार ऐसे क्यों बोल रहे हो? डॉक्टर ऐसे करते पता चल रहा है डॉक्टर। अभी हम पता करके बता रहे हैं डॉक्टर अभी इस टाइम है कि नहीं है, दिक्कत नहीं हो रहा। सीधे खड़े हो? सामने देखो, सामने सामने देखो, सामने बॉल पे। गाइस देख लो आज इस रात से पर्दा हट गया, मैं कितने किलो की हूँ, मेरा हेल्थ कैसा है आपको दिख जाएगा। ये अभी थोड़ा सा बड़ा है तब ऐसा। सो गैस धनु के जो कान है ना उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया है, थोड़ा घाव जैसा हो गया, तो उसके लिए मेडिसिन लिया। अब वो मेडिसिन ले रहे हैं और पिज़्ज़ा मंगाया था हम तीनों बैठ के, मम्मी भी खाई, मतलब हम ही लोग हैं घर पे से, पापा जी तो नहीं खाए, तो हम यहाँ तीनों बैठ के साथ में खा लिए पिज़्ज़ा, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, धनु को भी ठीक लगता है। ठीक क्या लगता है, मतलब बाहर की जो भी चीज़ें हैं ना उसमें से धनु को पिज़्ज़ा ही पसंद है और कुछ नहीं खाते। एक बर्गर कहते हैं तो बर्गर का जो पीछे वाला खाली वाला पार्ट होता है ना ऐसे प्लेन, वो बस खाते हैं। और रवीना से भी पूछते, रवीना को भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो वो भी हमारे साथ बैठ के खा रही थी, बहुत मज़े ले लेके, मसाले के साथ खाती है वो भी। मैं भी बिना मसाले का नहीं खाती हूँ पिज़्ज़ा, मुझे ऑर्गेनिक चिली फ्लेक्स जो होता है वो उस पर डालो तभी मैं खा पाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और मेन बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि बिल्कुल सस्पेंस जो है उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत बार मेरे चैनल पर कॉमेंट आ गया और पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ मैं किसी भी पार्टी फंक्शन में कहीं भी नहीं जा रही हूँ, कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मीन्स नहीं जा रही। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर लो ताकि जो लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि आप यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, तो उन्हें क्लियर हो जाए कि मैं नहीं जा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि मैं गांव जाने वाली हूँ, शायद मैंने डेट नहीं बताया है क्या, मैं 6 तारीख को गांव जाने वाली हूँ। तो अब आप लोगों का सस्पेंस जो है ख़त्म हो गया होगा, जो एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी जानने की जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, उसी दिन पता चलेगा, कब पता चलेगा। तो मैं आपको आज बता दूँ मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही कहीं भी किसी पार्टी में, मैं मायके जा रही हूँ। मुझे भी हेयर कटिंग के लिए जाना है, आईब्रो अगर नहीं बनवाई हूँ इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि अभी आया नहीं था, बट अब बनवा लेती हूँ, परसों तो जाना ही है, सो आज करवा लेती हूँ जो भी करवाना है। और मैं अपना जो हेयर है वो कट करवाने वाली हूँ, थोड़े बढ़ गए हैं, ठीक है। लंबे बाल बहुत से लोग को अच्छा लगते हैं, मेरी दोनों मम्मियों को, सासू माँ को, मम्मी को भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे हो जाता है ना, जिसको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, फिर ना वॉल्यूम नहीं दिखता बालों का, अजीब सा नीचे से लगता है। तो इसका समस्या कि हर बार कटिंग ही कोई करवाती हूँ कोई, तो चलो इस बार भी कोई अच्छी से कटिंग लेते हैं, इसलिए मैंने शैम्पू भी कर लिया, रात को ऑयल लगाया था ताकि सर दर्द ठीक हो, बट मेरी आज देख रहे हो कैसे हुई पड़ी है। और
जब भी आपको फेस पे कोई वैक्स करवाना हो, अपर लिप्स करवाना हो, थ्रेडिंग करवाना हो, तो ऐसे ही जाना सही है, ताकि मॉइस्चराइजर भी आप लगा लेते हो ना तो वो फिसलता है, अच्छे से हेयर नहीं निकल पाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या फेस वैक्स करवाते हो, तो नहीं मैं फेस वैक्स नहीं करवाती हूँ। एंड ये देखो है ना, सो अभी मैं जाती हूँ तो देखती हूँ क्या करवाती नहीं करवाती हूँ, बट ठीक है। और मैं अधिकतर कैमरे पे जो बिना मेकअप के ही आती हूँ, जो ब्लॉगिंग वाले होते हैं, और बाकी मेकअप के बाद तो आप लोगों ने मुझे देखा ही है। तो मैं क्या कहने वाली थी, हाँ मैं यही कह रही थी कि मैंने अभी मेकअप नहीं किया क्योंकि मुझे जाना है पार्लर, देखती हूँ क्या क्या करवाती हूँ इस वजह से। सो आइस मेरा सर इसलिए, और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ना कि हम फाउंडेशन वगैरह यूज़ करते तो आइस ऐसा हो जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बातें कर रही हूँ आप लोगों से। और एक पार्सल कुरियर वाले भैया आ गए, मेरा कुरियर है किसका पता नहीं, आप लोगों से बहुत जरूरी बात बता रही हूँ। किसका है भैया, किसका भैया, ये नहीं है, हाँ तो नेहा तो यहाँ कोई नहीं है, क्या है वो जो अपने हाथ में लिया हुआ है, गलत आपने नाम बोला होगा, मेरा है कामनी सिंह के नाम से। अच्छा अच्छा दे दीजिए, फिर खुला हुआ है गेट, सेकंड फ्लोर पे दे दीजिए। हाँ तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने ना मिंत्रा से एक ज्वेलरी जो है सेलेक्ट करके रखा हुआ था, मुझे वो मंगवाना था लेकिन मैं मंगवा नहीं पाई थी, भूल गई थी, कार्ट में डाल के मतलब छोड़ दी थी। फिर कल रात एकदम से ध्यान आया, मैंने सोचा कि मैं उसे ऑर्डर करती हूँ। गाइस वो ज्वेलरी का रेट था 12,000, 3,500 की, कितने 2,500 की वो ज्वेलरी थी, हाँ 2,500 की, और हो गए 12,500, मतलब कि 10,000 हो गई है ना। जो आपको प्रोडक्ट ऐसे दिखाते हैं ना मिंत्रा पे, अमेजोन पे, उस पर हमेशा ऑफ करके लिखा हुआ रहता है कि इतना आपका सेव हुआ, ऐसा करके उस तरीके से लिखा हुआ था, तो हमें उस प्राइस के अकॉर्डिंग वो ज्वेलरी रखती है। ये नहीं हमें लगता कि इतना हमें ऑफ में मिल रहा है, हमें ये लगता है कि इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये ठीक है, ज्वेलरी हो या कपड़े हो है ना, वो दिए रहते कि इतना ऑफ है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसीलिए मैंने वो, मैं बिल्कुल सॉफ्ट हस्बैंड दिखा रखे और रखो, मंगाया नहीं ऐसे करने लग गए, फिर उन वाला छोड़ दो, लगता है ऑफर वगैरह खत्म हो गए इसलिए से किए होंगे। उनके शर्ट वगैरह जो कार्ट में रखे तो वो भी ऐसे बहुत महंगे महंगे ऐसे हो गए, कई कई गुना ज़्यादा है ना, मतलब ये लगा लो कि 77% ऐसा ऑफ दिखा रहा, तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपये का शर्ट, कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था, फिर हमने छोड़ दिया। फिर सुबह जैसे उठे और हम देखे जल्दी से मंगा लो ये इतने का, मैंने बोला ठीक है मंगा लेते हैं, हाँ जी भैया, फिर मैंने वो जल्दी फटाफट से ऑर्डर कर दिया। गाइज ये है मेरा मेकअप किट जो कि अमेजोन से मैंने मंगाया था इसे, जिसका डिटेल आप लोगों को शॉर्ट्स पर मिल जाएगा, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, और कामनी सिंह के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।